भारतीय सेनाए त्रण जवानोनी शहादतनो बदलो सात दिवसनी अंदर लेता आतंकीने ठार कर्यो छे। अनंतनागमां सुरक्षा दळो साथेनी अथडामणमां लश्करे तैयबानो आतंकवादी उजेर खान छे तेने ठार मरायो छे। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमारे मंगळवारे कह्युं के उजेर खान आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबानो टॉप कमांडर हतो, तेनो मृतदेह मळी आव्यो छे। एडीजीपी विजयना जणाव्या अनुसार કોકરનાગમાં 2-3 આતંકવાદીઓ છુપાયા હોવાની માહિતી મળી હતી। ઉઝેર સિવાય અન્ય એક મૃતદેહ પણ જોવા મળ્યો છે। પોલીસે સ્થાનિક લોકોને ઘટનાસ્થળની નજીક ન જવાની અપીલ કરી છે। આ સાથે આ પહેલા સોમવારે સુરક્ષા દળોએ જંગલમાંથી 2 મૃતદેહ મેળવ્યા હતા, તેમાંથી એકની ઓળખ જવાન પ્રદીપસિંહ તરીકે થઈ છે। પ્રદીપ અનંતનાગમાં એન્કાઉન્ટરના પહેલા દિવસે 13 સપ્ટેમ્બરથી ગુમ હતો। તે જ દિવસે કર્નલ મનપ્રીતસિંહ, મેજર આશીષ ધોનચક્ર અને ડીએસપી હુમાયું ભટ્ટ આતંકવાદીઓ સામે લડતા શહીદ થયા હતા। છેલ્લા એક સપ્તાહ દરમિયાન કાશ્મીરમાં 3 સ્થળોએ એન્કાઉન્ટર થયા છે, જેમાં 5 જવાન શહીદ થયા છે, જેમાં અનંતનાગમાં 1 આતંકી, બારામુલ્લામાં 3, રાજૌરીમાં 2, એટલે કે કુલ 6 આતંકી ઠાર મરાયા છે। મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા દળ અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે આ અત્યાર સુધીનું સૌથી લાંબુ ઓપરેશન છે। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है, बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। सर कितने टेररिस्ट टोटल कितने टेररिस्ट वहाँ पे थे? टोटल हम लोगों के 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेडीबॉडी भी कहीं मिले। इसलिए सर्च पूरा कम्प्लीट है, सर्च पूरा करें कम्प्लीट करेंगे। अभी तक में उजेड खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्री भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर कोई ओवर है सर्च ऑपरेशन रिपोर्ट? सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए हैं।